friend Anjali Bhoumik. She was Lieutenant Anjali Bhoumik in Rani Jhansi Regiment. So we were passing through a jungle and there was some space. तो थोड़ा कभी ट्रक में जाते थे कभी पैदल जाते थे जंगल में और राइफल था हाथ में तो हम लोग एक जगह थोड़ा सा जानकी बाई लेफ्टिनेंट और कैप्टन जानकी बाई उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम करेंगे वहाँ बैठ गए हम लोग तब तक मैं बीच अमेरिकन B-29 आके स्ट्रैफिंग शुरू कर दिया एकदम ज़्यादा मशीन गन तो उस समय हमारे बगल में अंजलि भौमिक बैठी थी उसके सिर में लग गया कुछ ये स्प्लिंटर लग गया था बम ये गिरा था तो वो बेहोश हो गई गिर गई तो हम लोग सबको स्ट्रैफिंग हो रहा था नेचुरली वी वेंट अंडर द ट्रक और छिप गए जब उन लोग का शुरू हो गया बॉम्बिंग वो ख़त्म हो गया चला गया तब हम लोग फिर निकले निकले हम उसको भी लाद के लाए तो उसके बाद से जानकी बाई ने रोल कॉल शुरू किया तो हमको बुलाया कि लेफ्टिनेंट आशा सहाय आई गॉट अप एंड से जय हिंद एंड स्टेट लेफ्टिनेंट अंजलि भौमिक शी गॉट अप एकदम ये है गॉट अप से जय हिंद फेल एंड डाइड तो उस समय हम लोग को कोई तरह का अफसोस नहीं हुआ लड़ाई है भाई और देश के लिए कर रहे हैं तो हम लोग बोले कि अच्छा कितना अच्छा डेट इसको मिला है हम लोग को भी ऐसा डेट मिलता ऐसे यही आँख से आंसू एक बूंद भी नहीं गिरा क्योंकि जस्ट वॉर टाइम एंड वी आर फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस अनदर थिंग लास्ट नेताजी से मुलाकात हुई थी उस समय वो हम आफ्टर मैंने ऑक्यूपेशन आर्मी जो आ गया था वेरी सीक्रेटली नेताजी एंड नेताजी कलीग्स जनरल भोंसले पंडित रघुनाथ शर्मा एंड अदर हबीबुर रहमान जनरल कियानी इन लोग सबको इस साथ में बस हम लोग जहाँ ठहरे थे कैंप था छोटा सा तो उसमें देखते हैं ऊपर हम थे एंड ऑल माई फ्रेंड वो आई वॉज अभी तो मलेरिया हो गया था तो कमज़ोर थे दे वेंट आउट तो आई डिन गो तो उस दिन हमने शुरू धो लाल साड़ी पता नहीं क्या लाल साड़ी लाल पार के साड़ी पहने थे यूनिफॉर्म नहीं पहने थे तो नीचे देखते हैं नेताजी गाड़ी से काली गाड़ी से नेताजी निकले और लोग निकले तो ऐसे थे तो हम तो दौड़ के नीचे गए और जाके जय हिंद नेताजी के खड़े होके तो टोपी नहीं पहने थे इसलिए सलूट नहीं कर पाते सब सीधा खड़े होके हाँ हाँ कैसी हो कहाँ है सब कोई वेयर आर द तो हमने वो कभी बंगाली में बात नहीं करते हैं ओनली हिंदी हिंदुस्तानी तो हमने कहा कि उन लोग कहीं गए हैं आए हमारी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम नहीं गए तो बोले कि अच्छा ठीक है तो शाम को हम लोग का मीटिंग होगा तो सबको आना है INA का मीटिंग होगा तो आफ्टर व्हाट टू डू सरेंडर वी आर टू सरेंडर और व्हाट टू डू एंड ऑल तो खैर तो मीटिंग हुआ बहुत सारी बातें हुई उसके बाद से नेताजी ने पंडित रघुनाथ शर्मा को कहा कि देखिए इन लोग सब लड़की लोग को अपने अपने घर भेज दिए बैंकॉक वाले को तो बैंकॉक के अपने घर फिर बर्मा वाले को बर्मा और इन लोग सब सिंगापुर सब तो हमारे लिए उनको उन्होंने कहा कि आप इनको रखिए जब तक इनके पेरेंट्स इनको लेने के लिए नहीं आए तो हम उसके बाद से हमको हम लोग पंडित जी के घर विवेंट तो इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस नेताजी बोले कि ठीक है अब हम लोग अब हम चलते हैं घर तो हमारे मन में पता नहीं क्या हो गया था कि बड़ा उदासी जैसे तो नेताजी को हाँ तो नेताजी ने कहा कि हाँ उस समय खड़े होके हम बंगाली में जो कभी बंगाली में बात नहीं करते बंगाली में बोले तुम्हें भय करवे ना तो मीन्स तुम डरोगी तो नहीं हम सीधा खड़े होके बोले क्या मैं नहीं मैं आमी भय करी ना मीन्स आई डोंट
I'm not scared of anything. Shoti, Bengali में ही बोले शोतिर में तो means सती की बेटी ना हो डर डर पोक तो हो ही नहीं सकता ये बोले फिर जय हिम किए और वो चले गए that was the last I saw him. He also became a bit emotional at that time.